शिक्षा माय डिग्री साथ साथ, जैसा कि हम लोग देख रहे थे क्लास एट का फोर्थ चैप्टर को हम लोग बीजीय व्यंजकों के गुणा एवं भाग, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 4.1। तो जिसका पहला क्वेश्चन है निम्न पदों का आपस में गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसके लिए हम लोग गुणनफल ज्ञात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है 2x+7 और 3x+2। तो हमारे पास जो दिया गया है उसको लिखते हैं। पहला जी दिया है 2x+7 मल्टीप्लाई है 3x+2। चलिए तो पहला हम लोग देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो 2x का मल्टीप्लाई हो जाएगा फर्स्ट टाइम 3x+2 के साथ, प्लस 7 का भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x+2 के साथ। क्लियर, हमारे पास दो दिया गया है 2x+7 और 3x+2 दिया गया है। तो हमारे पास दिया गया है 2x+7, 3x+2, 2x का मल्टीप्लाई 3x+2 के साथ है और 7 का मल्टीप्लाई है 3x+2 के साथ। तो चलिए 2 का मल्टीप्लाई 3x के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 2x का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 3x के साथ होगा, नाउ सेकंड टाइम 2x का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई फर्स्ट टाइम 3x के साथ होगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ। क्लियर, चलिए आगे स्टेप पे हमारे पास हो जाएगा 3 2 6x का मल्टीप्लाई x के साथ, देन x स्क्वायर प्लस 2 2 4x प्लस 7 3 21x प्लस 7 2 14। एक्स एक्स जुड़ेगा तो यहां पर हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 14। ये रहेगा आपका आंसर, ये रहेगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। जब आपके पास क्वेश्चन में दिया गया 2x+7 3x+2 = इतना,